दोस्तों आज की इस वीडियो में कैटरपिलर कंपनी की कैट 424 बैकलोड और इंडियन स्टेज 5 की फुल जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों 13 अगस्त 2003 को भारतीय बाजार में कैटरपिलर कंपनी और हिंदुस्तान पावर प्लस लिमिटेड मिलकर कैट 424 बैकलोडर मशीन को मार्केट में लॉन्च किया। इस बैकलोडर में सिम्पसन कंपनी की सिम्पसन ST 444 मॉडल की इंजन और टर्नर कंपनी का ट्रांसमिशन लगा हुआ था। उसके बाद 2007 में इस मशीन का इंजन चेंज करके किर्लोस्कर कंपनी की किर्लोस्कर 4R 1040 का इंजन लगाया गया। ये इंजन स्टेज 2 सर्टिफाइड था। उसके बाद फिर से 2011 में किर्लोस्कर कंपनी की किर्लोस्कर 4R 1040 स्टेज 3 सर्टिफाइड इंजन और कैट कंपनी का अपना ट्रांसमिशन लगाकर कैट 424B मशीन को मार्केट में लाया। अक्टूबर 2017 में इस मशीन को फिर से अपडेट किया गया। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम, ऑपरेटिंग वेट और सर्विस कॉस्ट में बदलाव आया। उसके बाद इस मशीन को कैट 424B2 नाम से मार्केट में लाया। उसके बाद फिर से इस मशीन को जुलाई 2021 में स्टेज 5 सर्टिफाइड करके कैट 424 बैकलोडर 4-व्हील ड्राइव और 2-व्हील ड्राइव का नया मॉडल मार्केट में आया। इस बार कैट कंपनी ने अपना इंजन लगाया। ये इंजन स्टेज 5 सर्टिफाइड है। दोस्तों कैट 424 स्टेज 2 और कैट 424B स्टेज 3 और कैट 424B2 स्टेज 3 की जानकारी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताइएगा। आज की इस वीडियो में कैट 424 बैकलोडर स्टेज 5 4-व्हील ड्राइव और 2-व्हील ड्राइव दोनों मॉडल की जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों 4-व्हील ड्राइव और 2-व्हील ड्राइव में ट्रांसमिशन सिस्टम, फ्रंट एक्सल और स्टीयरिंग सिस्टम में बदलाव है, बाकी सब सेम है। वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप इस मशीन का जानकारी बहुत आसान से मिल जाएगी। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को दबा लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंजन सिस्टम का जानकारी। दोस्तों इस मशीन में कैट कंपनी का अपना इंजन लगा हुआ है। इसका इंजन मॉडल कैट C3.6 है। इसका इंजन टाइप 4 सिलेंडर इलेक्ट्रिक कंट्रोल टर्बोचार्जर विद इंटरकूलर है। इस इंजन का मैक्सिमम ग्रॉस पावर 56 kV एट 75 HP 2200 RPM के साथ देती है और इस इंजन का मैक्सिमम नेट पावर 52 kV एट 70 HP 2200 RPM के साथ देती है। इस इंजन का पिस्टन बोर साइज 98 mm है। इस इंजन का स्ट्रोक 120 mm है और इस इंजन का डिस्प्लेसमेंट 3.6 लीटर है। इस इंजन का टॉर्क राइज 86% 1200 RPM के साथ देती है और इस इंजन का पीक टॉर्क 424 Nm है। इस इंजन में फ्यूल इंजेक्शन पंप, हाई प्रेशर CRDI फ्यूल पंप लगा हुआ है। इसका फायरिंग ऑटो टाइमिंग 1342 है। इस इंजन में लूप एल कैपेसिटी 9 लीटर है। इसका लूप एल ग्रेड C4 15W40 है। इस इंजन का लूप एल प्लस लूप एल फिल्टर हर 500 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। इस इंजन का कूलिंग सिस्टम प्लस एयर कंडीशन 20 लीटर है। इस मशीन का फ्यूल टैंक कैपेसिटी 160 लीटर है और इस इंजन का फ्यूल फिल्टर सर्विस हर 500 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। इस मशीन का इलेक्ट्रिक सिस्टम DC 12V 130 A है। इस वोल्ट को पूरा करने के लिए DC 12V 130 A का बैटरी लगा हुआ है। इस इंजन में सेल्फ स्टार्ट मोटर DC 12V 4.5 kW की सेल्फ स्टार्ट मोटर लगा हुआ है। इस इंजन का अल्टरनेटर DC 12V 50 A है। अब ट्रांसमिशन सिस्टम का जानकारी। दोस्तों 4-व्हील ड्राइव और 2-व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन में 4 नंबर गियर स्पीड और ट्रांसमिशन ऑयल कैपेसिटी में फर्क है, बाकी सब सेम है। दोस्तों इस मशीन में कैटरपिलर कंपनी का अपना ट्रांसमिशन लगा हुआ है। इसका ट्रांसमिशन मॉडल कैट पावर शटल ट्रांसमिशन है। इसका ट्रांसमिशन टाइप 4-व्हील ड्राइव और 2-व्हील ड्राइव कैट पावर शटल ट्रांसमिशन सभी परिस्थितियों में 40 फीट गियर आगे और 40 फीट गियर पीछे चलने का पूर्ण सिंक्रोनस पावर प्रदान करता है और सभी परिस्थितियों में कांस्टेंट मैच गियर चलते फिरते ऊपर या नीचे शिफ्ट करने का अनुमति देता है। रिवर्स एंड फॉरवर्ड शिफ्ट इलेक्ट्रिक डायरेक्शन वाल्व है जो DC 12V सिस्टम है। 4-व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन ऑयल कैपेसिटी 18 लीटर है और 2-व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन ऑयल कैपेसिटी 14 लीटर है। इसका ऑयल ग्रेड कैट ऑटो ट्रांसमिशन ऑयल है। इस ट्रांसमिशन ऑयल को हर 1500 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। अब रियर एक्सल की जानकारी। 4-व्हील ड्राइव और 2-व्हील ड्राइव रियर एक्सल में कुछ बदलाव नहीं है। इस मशीन में रियर एक्सल कैटरपिलर कंपनी का अपना एक्सल लगा हुआ है। इसका एक्सल टाइप हेवी ड्यूटी शॉर्ट प्रोफ सॉफ्ट इनपुट ब्रेक प्लेनेटरी सिस्टम है। इसका एक्सल स्टेटिक 19120 kg है और डायनेमिक 7648 kg है। इस रियर एक्सल में एक्सल ऑयल 16.5 लीटर कैपेसिटी है। इसका ऑयल ग्रेड 90 नंबर गियर ऑयल है और इसका प्लेनेटरी ड्राइव में ऑयल कैपेसिटी 1.7 लीटर है। इस गियर ऑयल को हर 1500 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। इसका रियर टायर साइज 16.9x28 है। अब फ्रंट एक्सल प्लस स्टीयरिंग सिस्टम की जानकारी। पहले 4-व्हील ड्राइव की जानकारी बता रहा हूँ। फ्रंट एक्सल टाइप फ्रंट व्हील ड्राइव प्लेनेटरी गियर सिस्टम है। इसका फ्रंट एक्सल स्टेटिक 22943 kg है और डायनेमिक 9177 kg है। इसका फ्रंट एक्सल में गियर ऑयल कैपेसिटी 11 लीटर है और इसका प्लेनेटरी गियर में ऑयल कैपेसिटी 0.7 लीटर है। इसका स्टीयरिंग टाइप पावर स्टीयरिंग हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम है। इस मशीन का स्टीयरिंग सिस्टम वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा गियर पंप लगा हुआ है। इसका स्टीयरिंग कटिंग एंगल सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग सिस्टम है। इसका स्टीयरिंग सिलेंडर बोर साइज 65 mm है और स्ट्रोक 120 mm है। इसका स्टीयरिंग सिलेंडर रॉड डायमीटर 36 mm है। इसका ऑक्सीलेशन एंगल 11 डिग्री प्लस 11 डिग्री माइनस है। इसका टर्निंग सर्किल इनर व्हील नॉट ब्रैकेट आउटसाइड फ्रंट व्हील 8.18 mm है और आउटसाइड वाइडेस्ट लोडर ब्रैकेट 10.97 mm है। इसका फ्रंट व्हील टायर साइज 12x16.5 है। अब 2-व्हील ड्राइव फ्रंट एक्सल प्लस स्टीयरिंग सिस्टम की जानकारी। इसका फ्रंट एक्सल टाइप हेवी ड्यूटी नॉन पावर ड्राइव सिस्टम है और इसका स्टीयरिंग टाइप पावर स्टीयरिंग हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम है। इसका पावर
स्टेयरिंग वर्क करने के लिए एक्स्ट्रा गियर पंप लगा हुआ है। इसका स्टेयरिंग कटिंग एंगल सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग सिस्टम है। इसका स्टेयरिंग सिलेंडर बोल साइज 75 mm है और स्ट्रोक 118 mm है। इसका स्टेयरिंग सिलेंडर रॉड डायमीटर 45 mm है। इसका ऑक्सीलेशन एंगल 9 डिग्री है। इसका टर्निंग सर्किल इनर व्हील नॉट ब्रेकेट आउटसाइड फ्रंट व्हील 9.3 mm है और आउटसाइड वाइडेस्ट लोडर पॉकेट 12.2 mm है और इसका फ्रंट व्हील टाई साइज 9.00x16 है। अब गियर स्पीड की जानकारी। फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव में बस 4 नंबर गियर स्पीड में फर्क है, बाकी 1, 2, 3 नंबर गियर में कुछ फर्क नहीं है। पहले फॉरवर्ड गियर की जानकारी। इसका 1 नंबर गियर में आगे चलने का स्पीड 5.7 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 नंबर गियर में आगे चलने का स्पीड 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 नंबर गियर में आगे चलने का स्पीड 23 किलोमीटर प्रति घंटा है और फोर व्हील ड्राइव की 4 नंबर गियर में आगे चलने का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। टू व्हील ड्राइव की 4 नंबर गियर में आगे चलने का स्पीड 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और रिवर्स गियर की जानकारी। इसका 1 नंबर गियर में पीछे चलने का स्पीड 5.7 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 नंबर गियर में पीछे चलने का स्पीड 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3 नंबर गियर में पीछे चलने का स्पीड 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। फोर व्हील ड्राइव की 4 नंबर गियर में पीछे चलने का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। टू व्हील ड्राइव की 4 नंबर गियर में पीछे चलने का स्पीड 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हाइड्रोलिक सिस्टम की जानकारी। इस मशीन में कैटरपिलर कंपनी का अपना हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है। इसका पंप टाइप सेंट्रल क्लोज वेरिएबल फ्लो एक्सल पिस्टन पंप है। इस पंप का मैक्सिमम हाइड्रोलिक फ्लो 132 लीटर प्रति मिनट 22 RPM पर है। इस मशीन का फुल वर्क सिस्टम हाइड्रोलिक प्रेशर बेको एंड लोडर साइड 245 bar से वर्क करता है। इस मशीन का फुल हाइड्रोलिक सिस्टम 106 लीटर है और इसका हाइड्रोलिक टैंक कैपेसिटी 42 लीटर है। इसका हाइड्रोलिक ऑयल ग्रेड 68 नंबर है। इस हाइड्रोलिक ऑयल को हर 4000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए और इसका हाइड्रोलिक फिल्टर हर 1000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। इस मशीन का वर्किंग स्पीड देखा जाए तो वर्किंग के हिसाब से प्रति घंटा 25 ट्रैक्टर मल्टी लोडिंग कर सकता है। फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव मॉडल में बर्कर सिस्टम लगा हुआ है। फोर व्हील ड्राइव में फुल एयर कंडीशन है। टू व्हील ड्राइव में एयर कंडीशन और नॉन एयर कंडीशन दोनों आता है। इस मशीन में एयर कंडीशन 45 kg की लगा हुआ है। इस मशीन में काउंटर वेट 300 kg की लगा हुआ है। इस मशीन का कुल ऑपरेटिंग वेट 8760 kg है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं जानकारी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि वीडियो की जानकारी और किसी को मिल सके। और ऐसा कोई जानकारी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो दोस्तों।